आगामी चुनाव के मद्देनजर सभी सियासी दल अपनी चुनावी रणनीति आंकने में लगे हुए हैं, जिसके चलते महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आज जनसंवाद यात्रा का ऐलान किया गया। इस अवसर पर विपक्ष मंत्री विजय वडेट्टीवार समेत शहर कांग्रेस के मुख्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। आगामी चुनाव को कुछ ही समय का वक्त बचा हुआ है, जिसके चलते सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी साथ ही साथ कांग्रेस ने भी बिगुल फूंक दिया है, जिसके चलते आज से कांग्रेस की जनसंवाद यात्रा का शुभारंभ नागपुर स्थित मेडिकल चौक से किया गया। इस समय नागपुर शहर जिला कांग्रेस समिति के अध्यक्ष विकास ठाकरे, विधायक अभिजीत वंजारी समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। गौरतलब है कि इस यात्रा की शुरुआत विपक्ष मंत्री विजय वडेट्टीवार के नेतृत्व में की गई। इस समय जानकारी देते हुए विजय वडेट्टीवार ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा लगभग 4,500 किलोमीटर की यात्रा भारत जोड़ो अभियान के तहत की गई, जिस दौरान 9.5 साल के कार्यकाल में भाजपा ने फैलाए हुआ जातीय जहर खत्म करने का काम किया गया और इस जनसंवाद यात्रा द्वारा हम राज्य के पीड़ित जनता के दुख दर्द समझते हुए यह संवाद प्रस्थापित करेंगे। राहुल जी ने 4,000 किलोमीटर का प्रवास किया, उसने कुछ ये धूप नहीं देखा, छाव नहीं देखा, बारिश नहीं दिखी, ये इसमें चलते रहे अविरत। क्यों चलते रहे, क्या जरूरत थी 4,000 किलोमीटर चलने का? जो आज इन्होंने जो जहर घोला है समाज में, वो जहर निकालने का काम राहुल जी ने किया है। आज जो इंसान इंसान से लड़ने के लिए खड़ा हो गया था, धर्म के खिलाफ धर्म खड़ा हो गया था, उसको जोड़ने का काम राहुल जी ने किया है। उसी को लेकर हम लोग इस यात्रा के माध्यम से लोगों तक पहुंचकर जो ये सरकार ने जो विष घोला है उसको निकालने का काम करेंगे, इंसान को इंसान के साथ जोड़ने का काम ये यात्रा करेगी, मुझे पूरा विश्वास है। और ये यात्रा के माध्यम से हम लोग निश्चित रूप से ये सरकार की जो कमियां है, सरकार ने जो गलत काम किया है, उसको भी उजागर करने का काम ये यात्रा करेगी। इस अवसर पर विपक्ष मंत्री विजय वडेट्टीवार ने जालना दौरे के विषय में जानकारी देते हुए कहा कि वह 5:30 बजे तक जालना पहुंचेंगे और वहां की स्थिति का मुआयना करेंगे। साथ ही साथ इस वक्त वडेट्टीवार ने इस लाठीचार्ज के लिए राज्य सरकार को दोषी ठहराते हुए इस लाठीचार्ज को राज्य सरकार पुरस्कृत होने की बात कही। 4 वाजता इथून निघणार आहोत आणि 5:30 तिथे जालन्याला पोहोचू, कारण तिथे जी घटना झाली त्या घटनेच्या नक्कीच सगळी माहिती मला घ्यायची आहे। विशेष करून ही हा लाठीमार लाठीचार्ज हा सरकार पुरस्कृत आहे, गृह विभाग पुरस्कृत आहे, हे आता आमचा ठाम मत झालेला आहे। त्याशिवाय शांततेने बसलेल्या लोकांवर ही लाठीमार करण्याची गरज का बसली याचं उत्तर नक्कीच आम्हाला सरकारला द्यावं लागेल आणि आम्हालाही शोधावं लागेल। म्हणूनच आम्ही आज जालना इथे जाणार आहोत, तिथे गेल्यानंतर सगळी परिस्थिती लक्षात आल्यानंतर कोणाने संवाद साधला नक्की जागोजागी मराठा समाजाचा उद्रेक आता सगळ्याला पाहायला मिळतोय। या सरकारने केलेली ही जी चूक आहे आरक्षणाच्या नावानं, ज्यांची देण्याची मी कालही म्हणालो, ज्यांची देण्याची मानसिकता नव्हती, केवळ मतासाठी त्यांच्याशी बनवाबनवी जी केली, ती चूक आता फार महागात सत्ताधाऱ्यांना पडेल असं एकूण चित्र महाराष्ट्रात आता निर्माण झालेलं आहे। मराठा समाजांना शांततेच्या मार्गाने मोर्चा काढणारा समाज, कुठलीही आतापर्यंत एक बसवर दगडफेक झाली नव्हती, पण अशा परिस्थितीमध्ये त्यांना लाठीचार्ज करून अनेकांना जखमी केलंय आणि गृह विभाग खोटं बोलतंय की पोलिसांवर पहिल्यांदा दगडफेक झाली नाहीच, हा कुठल्याही चौकशीमध्ये सिद्ध होईल। आणि आकडा बघून सांगत आहेत पोलीस इतके पोलीस जखमी झालेत, तितके पोलीस जखमी झालेत। ज्यावेळेस भिडे मास्तरांचा प्रश्न होता त्यावेळेस लाठीचार्ज झाला तर त्याचं भिडे मास्तरांचं समर्थन केलं, आपण पोलिसांच्यावर कारवाई करायचा आदेश केला गृह विभागाने, आणि आत्ता मात्र उलटा आदेश करताय की आम्ही आता आम्हाला मराठा समाजाला दोषी ठरवत आहे। हे चुक आहे, असं कधी करू नये आणि निपक्ष याची चौकशी व्हावी अशी भूमिका गृह विभागाची असायला पाहिजे। कॅमेरा पर्सन अजित कुवर के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।